बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर भाई के साथ पिता को मारा गया बुरी तरह, पिता की हुई मौत। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के चीता कैंप से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक भाई द्वारा बहन के साथ हुई छेड़खानी को सुनने के बाद विरोध करने गए हुए थे और तभी कुछ गुंडे, जो कि गोलू फैमिली करके आरोप लगाया गया है युवक द्वारा, जो युवक पर जानलेवा हमला हुआ है जिसका नाम मोहम्मद हुसैन अहमद पठान है, उसके द्वारा विरोध करने पर उसके ऊपर मारपीट की गई और साथ ही में मारपीट के दौरान उसके साथ में जो तीनों भाई है वो मौजूद थे और तीनों भाइयों को बुरी तरीके से मारपीट करते देख पिता भी आए और पिता को भी जो है काफ़ी बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिसके बाद पिता की जो है मौत हो गई इस पूरे घटना में, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हम आपको सुना रहे हैं कि तमाम लोगों ने किस तरीके का आरोप लगाया है। मारपीट होने के बाद मोहम्मद हुसैन पठान ने क्या जानकारी दी है, उनके साथी परिवार वालों ने क्या जानकारी दी है कि किस तरीके से बहन के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर भाई को तो मारा ही गया, साथ ही पिता को उतार दिया मौत के घाट। का नाम बताइएगा और जिनको मारे गए आप उसको क्या लगते हैं? जिसको मारे वो मेरे अब्बा है और मेरे दो छोटे भाई है। मैं जिसको इन लोग मारे ना, उन लोग का नाम अख्तर है, अफरीदी है, अन्नू है, उमर है, मुबीन है, सहजान है, रियान है और हीना है, मंती है और बहुत सारे लोग थे और मुमताज़ थी, समा थी और कौन, रफीक, अन्नू, अब्बू। क्या जानकारी मिल पाई है, क्यों मारा गया, झगड़ा क्यों चालू हुआ है? ये झगड़ा जब मेरे भाई लोग सब खाना खा रहे थे, मेरा छोटा भाई नीचे आया, मेरे को लोग थक्का बिक्का दे दिए थे और मेरी बहन को दबाए थे, तो मैं बोलने गई थी क्यों मेरी बहन को तुम लोग ऐसा छाती में दबा रहे, तो लोग बोले हम लोग अभी दबाए ना, अभी अगर ये गार्डन में दिखेंगे ना तो तेरी बहन के साथ हम लोग अभी सेक्स करके छोड़ेंगे, तो मैं बोली तुम लोग सेक्स करने तक हम लोग पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, तो लोग बोले ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन है ना, हम लोग के सपोर्ट से और हम लोग पॉलिटिशियन का ना हम लोग के पीछे हाथ है, हम लोग तुम लोग को सेक्स भी करेंगे तो कोई केस नहीं बनेगा, ऐसा अख्तर, अफरीदी, अन्नू और ये अब्बू और रफीक और ये उमर बोले। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं जबकि ये पुराने अपराधी हैं? क्या लगता है किसका सपोर्ट है? इन लोग को पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट है और इन लोग के खानदान में 302 होते रहता है, इसके लिए इन लोग के खानदान में पूरे नशेड़े लड़के लोग का सपोर्ट है और ये नेता लोग का सपोर्ट है, इन लोग के हाथ के पीछे पूरे नेता लोग का सपोर्ट है इन लोग के हाथ के पीछे और सभी लोग दो नंबर का काम करते। नहीं नहीं, वो लोग बोलते पुलिस हमारे सपोर्ट से, हम लोग पुलिस को पैसा देंगे तो पुलिस हम लोग पे नाचते और पुलिस हमारा कोई केस नहीं लेती, और वो रियल बात है ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन उन लोग को कुछ भी नहीं करती है, इतना हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन, फिर भी हम लोग को बोल रही उन लोग के बच्चे लोग, उन लोग की औरत लोग रोड पे उन लोग के बाजू से जा रहे, और मैं बोल रही भी सर देखो लोग जा रहे बाजू से, तो लोग बोलते नहीं हम लोग बाद में अरेस्ट करेंगे, पहले तुम लोग स्टेटमेंट दो, और अभी वो लोग सब भाग गए, तो पुलिस वाले बोलते भागने दो, कब तक भागेंगे, पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, मेरे अब्बा को डॉक्टर ने अभी 2 घंटे का टाइम दे दिया है। ये वारदात कब हुई और कहाँ हुई? ये 10/10 में हुई, अपना बी सेक्टर HM लाइन रूम नंबर 2 अन्नू का पॉलिटिशियन का, वहाँ पे महेश वाती का ना ऑफिस है, वो ऑफिस में पूरे लड़के जमा होके बैठते। ठीक है, पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, किस तरह से हुआ? नहीं, पुलिस वाले अभी तक सिर्फ वो मुमताज को अरेस्ट किए, वो भी दवाखाने में आए थे तो उन लोग गए लेके, और अभी तक उन लोग के कोई जो लड़के मारे मेन अख्तर, अफरीदी और ये उमर, मुबीन, सहजान, सुपिए, अपना रियान, इन लोग को किसी को नहीं जमा के, जो मेन लड़के सिर्फ एक रफीक और मुमताज को ही रखे वो लोग। कितने आरोपी होंगे इसमें? 12 लड़के हैं, 3 लड़की है, 15 जन, इन लोग और भी बहुत जन थे लेकिन मैं खिड़की से 15 जन को देखी, मेरे भाई लोग को चाकू से, गोपती से और शमशीर से और रॉड से इतना बुरा मार रहे थे, मैं ऊपर से चीख मार रही थी, हमारी पूरी गली वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिए थे और ये लोग मिर्ची का पानी सब डाल के मेरे भाई अब्बा को मार दिए थे और मार के मेरी बहन को पेट से थी 8 महीना, मेरी बहन पेट से, जैनब नाम है उसका, उसको इतना मारा अख्तर, अफरीदी और अन्नू मिलके इतना मारे उसको, वो मेरी बहन बेवश हो गई और बेवश होने के बाद मेरे भाई को बेवश करके क्या बोल रहे, देख वो तेरी बहन को हम लोग ने के छोड़ दी और तेरे बाप को जान से मार डाले, इतनी गलत गलत बात कर रहे थे उन लोग मारने के बाद में। प्रशासन से क्या अपील करेंगे, मतलब आप सरकार से क्या अपील करेंगे, पुलिस से क्या अपील? हम लोग इतना करना चाहते हैं, हम लोग को पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए कि ये खानदान सबको मार रहे, सिर्फ जान से ही मार रहे, अभी हमारे अब्बा को भी 2 घंटे का टाइम दिए और पुलिस का सपोर्ट तो हम लोग को कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है,
ये खानदान का नाम सुन के पुलिस हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रही, और हम लोग को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। इन लोग को चीता कैंप से हम लोग को हटाना है। बच्चे लोग का लोग रेप करने तक आ गए, मर्डर करते थे, अभी बच्चे लोग का रेप करेंगे बोल रहे। वो गार्डन बना के उन लोग को एक नेता ने गार्डन बना के दिया बाथरूम तोड़ के, लेकिन वो गार्डन में अभी बच्चे लोग का रेप करेंगे बोल के बोल रहे। वो लोग बोलते अभी हम लोग सबके साथ सेक्स करेंगे और अभी 302 भी खाएंगे, पूरे चीता कैंप को जान से मारेंगे, ऐसा बोल बोल के मेरे भाई लोग को मार रहे थे वो लोग। 302 में 2-4 जन वॉन्टेड है, और 2 महीना पहला ये भाई लोग को भी मारे थे। 4 महीना पहला ये लोग को भी मारे थे, और वहाँ से ये लोग सब भाग गए। आपका नाम क्या है? शहजीन अब्बास पठान। आपके हस्बैंड को क्यों पुलिस ने अरेस्ट करी है, क्यों एक मामला हुआ है? नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, बोले पंचनामे के लिए लेके जा रहे और अरेस्ट कर लिए, सुबह कोर्ट में खड़ा दिए, कुछ भी नहीं था ऐसे लेके चाहे, किसको भी मारे भी नहीं थे लोग, सब लोग इन लोग को ही मारे, कोई भी उन लोग को नहीं मारे। क्या बोले, क्या लेकर गए, क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, आपकी बात के लिए क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर है आपके हस्बैंड? पुलिस स्टेशन में ही है, आरसीएफ में, आरसीएफ चौकी में। पुलिस क्या बोल रही है अभी, क्या मामला उनके ऊपर, कुछ मामला में दर्ज करा गया है, क्या हुआ? केस बना दिए उनके ऊपर 304 या कुछ तो, 302 बना दिए, कुन कुछ करे भी नहीं। क्या अपील क्या रही आपकी सरकार से? मैं उस दिन भी पुलिस स्टेशन गई थी रोते रोते, इतना बड़ा होता भी नहीं था पुलिस में, इतनी छोटी बच्ची को रो के लेके गई, कोई भी मेरे साथ आ रहा नहीं था। मैं इतना पुलिस को बोली चलो वहाँ पे, अगर आते तो इतना बड़ा होता भी नहीं, लफड़ा सब होने के बाद पुलिस वाले भी आए वहाँ पे। अच्छा, हाँ। आपके हस्बैंड पुलिस स्टेशन गए थे क्या? पुलिस वाले बोले पंचनामे के लिए लेके जा रहे और सुबह कोर्ट में खड़ा कर दिए, केस बना दिए। दवा खाने से लेके गए यहाँ से। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ सैयद है, मैं एक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ। मैं देखा कि एक बच्चे को उन लोग मार रहे थे 5 महीना पहले, तो मैं उसको छुड़ाने के लिए खाली गया था बीच में, तो मेरे को भी ऐसा बुरी तरीके से चाकू तलवारों से मारे थे। देखो ये पूरा है, देखो पूरे मेरे को 26-27 टाके आए थे इधर, मैं भी मरते मरते बचा हूँ। उन लोग का बहुत आतंक हो गया है उधर पे, किसी को भी मारते, गलत काम बहुत है उन लोग के। पुलिस प्रशासन ऐसे अपराधियों से लगाम क्यों नहीं लगा रही? उन लोग को पॉलिटिकल सपोर्ट है, एक्चुअली पॉलिटिकल उन लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उन लोग पैसे भी खाते हैं, चौकी में पैसे खिलाते ऐसा सुनने में आता है, और बड़ी बड़ी बातें करते, तुम लोग कुछ भी कर लो चौकी में चले जाओ, हम लोग का सेटअप हो जाएगा। पुलिस का डर तो उन लोग को बिल्कुल नहीं है, बोलते हैं हम लोग चौकी सेटिंग कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा उन लोग की बातें, और ऑलरेडी उन लोग ने पहले मर्डर करे हुए, फिर उसके बाद में अभी 5 महीना पहले मैं बचा हूँ, मेरे साथ साथ और 4-5 बच्चों को भी लगा था, अभी जाके फिर अभी हमारे चाचा को लगा है, वो भी अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, कभी भी कुछ भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। आपका नाम बताना? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन आसिम पठानी। मोहम्मद हुसैन जी, क्या हुआ था, क्यों लड़ाई हुई, क्या मामले पर? मेरी बहन के साथ इन्हों कुछ ना गलत काम किए, तो वो मैदान के पास झूले के पास, तो हम लोग सब नहीं थे, हम लोग जिम में थे, तो हम लोग जिम से आए, तो मेरी बहन हम लोग को बुलाई थी, तो हम लोग तीनों भाई नीचे उतरे ना, तो मेरा अप्पा भी नहीं थे, मेरा अप्पा ऊपर थे, तो हम लोग तीनों भाई लोग को पकड़ के मिलके मारे, और मेरा अप्पा है तो मेरा अप्पा को भी बेरहमी के जैसा मारे। बोलू खानदान किसने मारा और क्यों? अत्तार आफरीदी, ये अन्नू, अब्बू, रफीक, उमर, मुबीन, सलीम, आमिर, सैजान, रियान, इन्होंने सब लोग मिलके मारे, और दो औरत लोग थे, मुमताज और वो मंती हीना, उन सब औरत लोग सब मिलके मेरी बहन को भी मारे। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको भी 8 महीना मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको भी पेट में लात मारे सब, उसको भी वो चक्कर आ गया, बेबस हो गया, वो भी गिर गई थी। मेरे अब्बा को भी बहुत मारे उन सब, मेरे को भी पूरा मार के, यहाँ मार के पूरा खोल दिए, पीठ में मारे, मेरे को भी 8-9 टाका आया। मेरे भाई को भी बहुत मारे, मेरे छोटे वाले भाई को, मेरी बहन के साथ मेरी बहन लोग को भी बहुत मारे, मेरे अब्बा को तो बहुत ज़्यादा ही मारे, हम सब बेबस हो गए थे। मेरे अब्बा को भी बेबस करके मार के भाग गए पूरे के पूरे। तो जब ये सब हुआ तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या कोई चीज बचाव में नहीं है? पुलिस का भाई, पुलिस को बुलाए थे, पुलिस आई नहीं। मेरी बहन जाके पुलिस को जाके बुलाई, तो पुलिस वाले आई नहीं उधर। पुलिस वाले को मेरी बहन कितने बार जाके बुलाई, और वहाँ पर खड़ खड़ के आवाज़ भी दे रही थी उन, फिर भी आई नहीं। आके भी उन की सपोर्ट में खड़े लेते, 2 जन आए थे उन, और उन की सपोर्ट में खड़े लेते पुलिस वाले फिर भी नहीं उठाए। पुलिस वाले को बोल रहे भी थे इन को, मेरी बहन बोली भी, कितना भी बोली साफ चलो, फिर भी उन पुलिस वाले लोग आए नहीं। कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था? हॉकी था, चाकू था, रॉड था, वो बर्फ़ काटने का आता नहीं क्या, वो लंबा कलर का वो था, उन
उन्होंने क्या क्या चीज लेके आए थे सर, उन्होंने बहुत चीज लेके आगे, उन्होंने सब मारे हमको। आपको कहाँ कहाँ लगा? मेरे को यहाँ लगेला, यहाँ लगेला, यहाँ लगेला, पीठ में लगेला, हाथ में लगेला। और आपके भाई को? मेरे अब्बा को तो पूरे सर में लगेला, हाथ में लगेला। मेरे भाई को यहाँ, मेरे भाई की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मेरी भी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। मेरा भी ऑपरेशन करने का बोले, मेरे भाई का भी ऑपरेशन करने का बोले। मेरे अब्बा का तो अभी कुछ हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेरे अब्बा का, अब्बा को, मेरे अब्बा को टाइम दिले डॉक्टर लोग 3 दिन का। जब आपको कहीं करेंगे आपकी बहन गलत हो तो आप क्या उनको समझाने के लिए क्या? नहीं, हम लोग बात करने गए तो उन लोग बात करने से पहले हमको मारना चालू कर दिए सर। हाँ, उन लोग पहले से प्लानिंग में थे, उन लोग पहले से 15-20 जन खड़े लेते। ये मेरी बहन को, छोटी वाली बहन को कुछ पहले, मेरी दो पहले मेरी बहन को, उन लोग सब प्लानिंग बना के मेरी बहन को किया। फिर हम लोग जैसे नीचे उतरे, मेरा छोटा वाला भाई जैसे नीचे उतरा, उसको मारना चालू किया। फिर मेरा मेरे से जो छोटा है उसको, वो नीचे उतरा, उसको भी मारना, गला दबा के मारना चालू किया। फिर मैं उतरा, मेरे को मारे। फिर मेरा अब्बा आए तो फिर मेरे अब्बा को भी मार के इन लोग बेरहम के जैसा मारे सर, उन लोग बहुत मारे। हम लोग को समझ रहा भी नहीं था सर, उनके पास बहुत सामान था, कोई भी नहीं था और कोई बचाने भी ना रहा था। उनके पूरे खानदान लोग थे सर, पूरा भोलू खानदान था, मेहरून, पूरा मेहरून खानदान, भोलू खानदान, उन लोग सब जन थे। उन लोग बहुत लड़के लोग थे, 15-20 लड़के लोग थे। पहले उससे पहले भी उन लोग 302 करके आए वसीम का। वो ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के।